नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। देखिए आपके सामने एक रास्ता यहाँ पे है, देखिए कैमरा घुमाइए, इसको ब्लॉक किया जा रहा है, इधर देखिए जरा। पास का मेटिंग के साइड से होते हुए आता है, तो जो बुद्ध का यहाँ पे माहौल बना हुआ है, तो अभी ये बंद होने के बाद अभी इसको भी बंद किया जाएगा। अभी यहाँ पे GM बनाकर खाड़ी जो मजबूर से लेके पूरा ग्राम यहाँ पे खड़ा है और हम लोग खड़ा होकर यहाँ पे इसको बंद करवा रहे हैं। है जो है सेल को हम लोग लेटर दिया, इसके बारे में है जो आप लोग इलीगल जो अनलॉन पास है, रात में जो एंट्री करता है उसको आप लोग रुकिए। किस तरह की चोरी होती है यहाँ पे, आप लोगों को कुछ जानकारी इसके बारे में? रात में क्या होता है, ये अनुल पर्सन बहुत माइंड से उतर जाता है, ठीक है। हमको मशीन चलाने प्रॉब्लम होता है, एनी टाइम एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए ठीक है। इसलिए हम लोग बार बार सेल को, हम लोग प्रिंट स्लम्प जो है, जिसको सिक्योरिटी पार्ट सेल को है, इसलिए हम लोग बार बार इन्फॉर्म करते हैं सेल को। सेल क्या निर्णय लिया है इसके विषय में? सेल को जिम से बात हुआ, बोला हम लोग कोशिश करते हैं इसको रुकने के लिए। कितना दिन से ये घटना हो रही है यहाँ पे? ये घटना हम तो 2-3 महीने हुआ, हम देखते हैं 1 महीने से इसमें ज्यादा बढ़ गया। 3-4 महीने से काम चल रहा है? 3-4 ना ना 1 महीने से ज्यादा बढ़ गया। पहले क्या बिगड़ महीने घुसता था, बाहर भी लेता था। इसके बारे में आप लोग क्या निर्णय लिया, आपकी कंपनी क्या किया? हम लोग कंपनी बार बार सेल को, जो हम लोग सेल के अंडर में काम करते हैं, सेल को बार बार हम लोग रिप्लाई देते हैं, लेटर मारते हैं, इसलिए कोई टाइम एक्सचेंज कर सकते थे। सर, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि यहाँ पर 1 महीने से कोयला चोरी चल रहा है, तो आपने क्या स्टेप लिया पहले? भाई आप गलत सवाल मत कीजिए, ठीक है, सवाल ही आपका गलत है। ऐसे तो आरोप लग रहा है सर, हमने नहीं किया, गलत नहीं, ये ग्रामीणों का आरोप है। ये अब छोड़िए, फिर हमसे कोई स्टेटमेंट आप मत लीजिए। नहीं, आप अपना, हम लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं, प्रशासन को हम लोग खबर किया, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। ये उल्टा पुल्टा बोलने से नहीं होगा भाई। कोलवरी के गहराई का अंदाजा आप लोग इसी से लगा सकते हैं कि इसकी गहराई कितनी है, और यहाँ के लोग जो हैं इसी तरह आज रोड का घेराव नहीं किए हैं, बल्कि कुछ ना कुछ कारण रहा है जिस कारण से आज रोड का घेराव किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का कटान यहाँ पर ही मौजूद है, किस तरह की कटाई की गई है चोरों के द्वारा या फिर भूमाफियाओं के द्वारा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि मशीन लगा करके यहाँ पर कोयला काटा जाता है, और ये कोयला का काम जो है दिन दहाड़े भी कई बार किया जाता है। लोगों का आरोप है कि GM की इसमें मिली भगत है। क्या हुआ था आज आप लोग की तरफ से? आज हम लोग अंजिमारी एजेंट ऑफिस से लेके अटेंडेंस रूम अंजिमारी वर्कशॉप तक एक मिसिल किए, सभी वर्कर को हम लोग जागरूक किए कि 2-3-4 के जो स्ट्राइक है ये ऐतिहासिक स्ट्राइक है, इसको सफल करना है। किस तारीख को आप लोग का स्ट्राइक है? 2-3-4 जुलाई। आपको लगता है कि इस स्ट्राइक से कुछ असर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट? कम असर होगा। इसके पहले कोल सेक्रेटरी मीटिंग बुलाया, सब ट्रेड 5 सेंट ट्रेड ने बहिष्कार किया। उसके बाद 30 तारीख को जो लेबर कमिश्नर ऑफ हेड ऑफिस कलकत्ता बुलाया, ये लोग बाइकआउट किया। अभी हमारा कोल इंडिया का चेयरमैन मीटिंग बुलाया है 30 तारीख को, उसको भी सभी ट्रेड यूनियन बाइकआउट किया है। जब कोल ब्लॉक को नीलामी प्राइम मिनिस्टर करते हैं तो मीटिंग भी प्राइम मिनिस्टर करे बात करने के लिए। इस स्ट्राइक को अगर सरकार चाहती है कि स्ट्राइक ना हो तो उनको बात करना चाहिए। 5 पार्टियों के सहयोग से ये जो महाहड़ताल हो रहा है, क्या आपको लगता है कि इसमें पूर्ण रूप से ECL का चक्का जाम हो पाएगा? ये 100% सफल होगा, क्योंकि ये जो स्ट्राइक जो होने जा रहा है, ना एज बोर्ड का है ना बोनस का है, ये अपना अस्तित्व का लड़ाई है। कोल इंडिया रहेगा तभी हमारे श्रम संगठन रहेगा, अगर कोल इंडिया नहीं रहा एक भी श्रम संगठन बटने वाले नहीं है। जो प्राइवेट कंपनी में जो स्थिति है वर्करों का, वही हाल होने का कगार पर पहुंच जाए। आपका नाम?
मेरा नाम शैलेंद्र सिंह, CMA CIIT से होना है।